की सांस नली में फंसी थी, मूंगफली फूल रहा था शरीर, सर्जरी कर डॉक्टरों ने निकाला। अहमदाबाद, गुजरात के भावनगर में 3 साल के बच्चे दिशान का शरीर फूलता जा रहा था। घर वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे आखिर हुआ क्या है। काफी परेशानी झेल रहे दिशान का मर्ज डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहे थे। उन्होंने अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में केस रेफर किया। इसके बाद जब डॉक्टरों ने जांच की तो असल वजह सामने आई। उसकी सांस लेने की नली में एक मूंगफली फंस गई थी और इसी वजह से उसे असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ रही थी। सिविल हॉस्पिटल में बाल रोग सर्जरी पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के हेड प्रोफेसर राकेश जोशी ने बताया कि इस कंडीशन को एम्फिसेमा कहते हैं, जिसमें त्वचा के नीचे की एयर से चेहरा, सीना और यहां तक कि हॉट के आसपास फूल जाता है। एक्सरे और सीटी स्कैन के बाद हमें पता चला कि बच्चे के विंड पाइप सांस की नली में आधी मूंगफली फंस गई थी। पढ़े, दिल्ली किसे जिता रही, 70 सीटों का पूरा हाल। डॉक्टर जोशी ने विभाग की ही डॉक्टर शकुंतला गोस्वामी के साथ ब्रांकोस्कोपी गले की सर्जरी की। बच्चे के श्वसन नली में बाईं तरफ मूंगफली फंसी थी, इसे वहां से निकाला गया। डॉक्टर जोशी ने बताया, हमें लगता है कि बच्चे ने गलती से मूंगफली का टुकड़ा सांस लेते वक्त खींच लिया होगा या फिर निगलने की कोशिश करते वक्त यह सांस नली में फंस गया होगा। छोटी उम्र की वजह से मूंगफली के टुकड़े ने उसकी सांस नली को नुकसान पहुंचाया और इससे निकलने वाली हवा त्वचा के नीचे इकट्ठा होने लगी। सर्जरी के बाद बच्चे ने तेजी से रिकवरी की और गुरुवार को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। अब सूजन नहीं है और उसकी हालत बेहतर है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी घटनाओं में बच्चे के अंदरूनी अंगों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी छोटी चीजों से बिल्कुल खेलने की इजाजत न दें, जिसे वे निगल सकते हैं या सांस लेते हुए शरीर के अंदर जा सकता है।